अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं, शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत और मुस्लिम लीग नून पर चार्जशीट दे दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए थे वो वफा नहीं किए गए हैं। आईनी तरमीम के दौरान भी हुकूमत ने जो बातें की गई हैं उन पर अमल दरामद नहीं हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि मैं आईनी तरमीम के मामलों में बिज़ी था और जो बाद में पीछे जो नहरों का मामला है उससे मुतालिक मंजूरी ले ली गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा है कि जुडिशल कमीशन में उन्होंने अपना नाम दिया था लेकिन फिर हुकूमती रवैया देखते हुए जुडिशल कमीशन से उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद ये भी कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो पाकिस्तान की अदलिया है उसमें उसको भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये रिजर्वेशन ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब मुल्क में बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मिसाली है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून पर प्रेशर डाल के कुछ मजीद अपनी जो मारूजात हैं, जो गुजारिशात हैं, सिफारिशात हैं वो मनवाना चाह रहे हैं, या ये जो इख्तलाफात हैं इस वक्त इंतहाई अहमियत हासिल कर गए हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी के जो शिकवे शिकायात हैं क्या वो शहबाज शरीफ ग्रुप से हैं या फिर जो नवाज शरीफ के करीब लोग हैं उनसे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी का किरदार बड़ा कलीदी था जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी मंजूरी में, और अब ऐसे वक्त में जब एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि JUI को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये पे शिकवे हैं, बिलावल भुट्टो के ये शिकवे मुस्लिम लीग नून से मुतालिक सामने आ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में जो सियासी बिसात है उसमें कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है या ये शिकवे एड्रेस कर लिए जाएंगे? दूसरी जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज़ जो अलीमा ख़ान ने अनाउंसमेंट की थी कि बानी PTI ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है, अब जो खबरें आ रही हैं जो मोतबर सहाफ़ी हैं वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो 24 नवंबर को एहतजाज करने पर कायल नहीं है। उनका ये कहना है कि मुशावरत के बाद बानी PTI को इस बात पर कायल किया जाएगा कि 24 नवंबर की जो तारीख है उसको मौखर किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कॉल के लिए तैयार नहीं है। इख्तलाफात जो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपनी बात बानी PTI के सामने रख के मनवा सकेगी या फिर उनके हुक्म पर मिनोअन अमल करना होगा? मिनोअन अगर अमल किया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा इस वक्त क्या इस हालत में है कि वो ये कामयाब एहतजाज कर सकें, या एहतजाज इससे पहले जो किए जाते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसमें खातिर ख्वाह मकासद वो हासिल करने में नाकाम रहे हैं, क्या ये वैसे ही प्रैक्टिस होगी या एक पुरअसर मौसर एहतजाज होगा? इन तमाम मामलों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इरशाद साहब, आज के प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली हम कुछ ऐसे लीकेजेस हैं पाकिस्तान की ख़जाने से जो हो रही हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की सुस्ती की वजह से हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी बात ऐसा इम्तिहानी ढांचा ना बनाना है जिसकी वजह से तकरीबन 20 करोड़ डॉलर सालाना पाकिस्तान से लीक होते हैं और पाकिस्तान के निज़ाम तालीम से मुतालिक भी बहुत से सवाल उठते हैं, उस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, बिलावल साहब का चार्ज करना मुस्लिम लीग नून को, आप क्या समझते हैं ये इख्तलाफात संगीन नौयत के हो गए कि मीडिया पे आके बिलावल भुट्टो जरदारी को मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाना पड़ा, हालांकि जो इत्तेहाद रहा या कोऑर्डिनेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस वो बड़ी मिसाली थी, ये बातें तो बंद कमरों में भी की जा सकती थी? वैसे एक तो चार्ज नहीं किया उन्होंने, चार्जशीट किया है जी, और चार्जशीट भी ऐसे अंदाज में किया है। कल मुर्ता वहाब साहब जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था, इंदिया दिया था कि बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि मालूम नहीं क्या है, क्योंकि हमारे ही प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के दोस्त जो हैं वो इस बात की तो नफ़ी करते रहे कि जी बिलावल भुट्टो साहब का नाम तो जुडिशल कमीशन के लिए प्रपोज ही नहीं हुआ था, और तो पार्टी की तरफ से तो फारूक नायक साहब का नाम आया था, दोनों ये कहते रहे। और जो गिले शिकों की बात हो रही है ये मीडिया, क्योंकि वो नज़ला बर उज़्वे ज़ईफ़ हमेशा जो बात भी सियासतदान आपस के मामलात को अगर वो दबाना चाहते हों या छुपाना चाहते हों फिर नज़ला मीडिया पर डाल देते हैं, सियाको सबाक आ जाए तो बस जी मीडिया ने ये किया है, तो कौन कौन सा जी आपके पास सोर्स क्या है, आपके पास ज़रिया क्या है? लेकिन अब भुट्टो साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने कोई चीज़ ढकी छुपी रहने नहीं दी और कह दिया कि जी हमारे मामलात हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब वो जुडिशल कमीशन बन रहा था तो आप किस किस्म का जुडिशल कमीशन चाहते थे? उसमें तो आईन में तय हो गया
کہ اس میں وزیر قانون ہوگا، اس میں اٹارنی جنرل ہوگا، دو نمائندے حکومت کی طرف سے ہوں گے، دو اپوزیشن کی طرف سے ہوں گے، چار ججز ہوں گے، تو اس میں کون سی ایسی چیز تھی جو حکومت اپنی مرضی سے، یا تو آپ چاہتے تھے کسی خاص جج کا نام آپ منوانا چاہتے تھے کہ فلاں جج جو ہے اس کو چیف جسٹس بنایا جائے، نہیں سوری آئینی بنچ کا سربراہ، بنچ کا سربراہ بنایا جائے، وہ کہہ رہے ہیں میں فرق بتاتا آئینی بنچ میں کیا فرق ہے، اور جو بھی ہے وہ آپ اب کیوں بتا رہے ہیں؟ اسی دن آپ پریس کانفرنس کرتے، آپ کہتے کہ جناب یہ جو کچھ کمپوزیشن ہے اور جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، پھر آپ اپنے نمائندوں سے کہہ سکتے تھے، مثال کے طور پر اگر فاروق ایچ نائک صاحب اڑ جاتے تو مشکل ہو جاتی حکومت کے لیے، وہ تو انہوں نے ووٹ جو ہے وہ حکومت کی مرضی کے مطابق دیا نا، انہوں نے ججوں کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا، تو وہ بھی ان کے نمائندے تھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی وہ ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے ووٹ دے دیا ہو، ایک دوسری بات ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں تحریری معاہدے پر، یہ گورنر صاحب نے بھی ہمیں بتایا تھا، بہت سی باتیں رہتی ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب بھی کہتے ہیں یہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی یہ گلے شکوے جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کی بنیاد پر وہ کٹی کرنا چاہتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مطالبات اور منوانا چاہتی ہے، کچھ مراعات اور سہولتیں اور لینا چاہتی ہے، حکومت سے الگ ہونا یا حکومت سے ناراض ہو کے بیٹھ جانا پیپلز پارٹی افورڈ ہی نہیں کرتی ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ بند کمروں میں کیا یہ مطالبات پیپلز پارٹی نے رکھے اور مسلم لیگ نون نے اس پہ کان نہیں دھرے، تو اب بلاول صاحب کو میڈیا پہ آ کے بات کرنی پڑی ہے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یا تو یہ کہیں نا کہ جی ہم نے وہ باتیں ساری کیں، وہ نہیں مانی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی تو وہ جوڈیشل کمیشن میں اپنا بندہ نہ بھیجتے، اگر بھیج دیا تھا تو وہاں وہ اسرٹ کرتے۔ ہمیں تو کوئی ابھی تک اطلاع ایسی نہیں ملی جس میں یہ پتہ چلا ہو کہ پیپلز پارٹی کے نمائندے نے، اور فاروق ایچ نائک صاحب ایک بڑا نام ہے، سینٹ کے چیئرمین وہ رہ چکے ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہے، سینئر قانون دان بھی ہیں، سینئر پارٹی لیڈر بھی ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسا تاثر نہیں دیا کہ وہ حکومت سے نالاں ہیں یا ناراض ہیں یا بلاول صاحب کے کوئی شکوے شکایات انہوں نے وہاں پیش کیا ہوں۔ تو اب اگر کوئی ہے بھی تو اگر وہ میڈیا کے سامنے لا رہے ہیں تو اس کا سوائے اس کے کہ وہ دباؤ ڈال کے کچھ چیزیں جو حکومت نہیں مان رہی یا نہیں ماننا چاہتی وہ منوانا چاہتے ہیں، جی اس سے زیادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی، کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی نے اپنا وزن جو ہے جمہوریت کے حق میں، جوڈیشری کے حق میں ڈالنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، ہمیشہ ہر موقع پر، مثلاً بجٹ جب پیش ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہی باتیں تھیں عوام کو، لیکن سب کچھ جو عوام مخالف چیزیں تھیں حکومت نے کیں آئی ایم ایف کے دباؤ پر یا اپنے طور پر، پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، وہ یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ فلاں پوائنٹ جو ہے ہم نے حکومت سے منوایا، فلاں شعبے میں ہم نے عوام لیف دلایا، صحیح وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو اس وقت وہ گیلی لکڑ ہے کہ جس کے بغیر کرنٹ نہ حکومت میں پاس ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپوزیشن میں ہو سکتا ہے، بہرحال حکومت ان کو مینیج کرے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسی میں نہیں، میرا ایک سوال یہ ہے جو سسٹم چل رہا ہے نا، اس میں پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ، ان دونوں کی مجبوری ہے ایک ساتھ چلنا، ان میں سے کوئی گیلی لکڑی نہیں ہے اور ان میں سے کوئی ایسا پارٹی نہیں ہے جو الگ ہونے کا سوچ سکے یا اپنی کوئی شرائط منوانے کا سوچ سکے، ایسی شرائط چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہی پیپلز پارٹی آج پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات مثالی ہوں، پی ٹی آئی جن چیلنجز کا اس کو، جن چیلنجز کا پی ٹی آئی کو آبویسلی سامنا ہے جو میں بات کر رہا ہوں، نہیں وہ تو پیپلز پارٹی خود کہہ چکی ہے کہ زرداری صاحب چاہتے تھے، وہ تو پیپلز پارٹی نے وہ چاہتے تھے، پی ٹی آئی جو نہیں چاہتی ہے وہ نہ چاہ کے اس کو مل کیا رہا ہے، یہ بھی ایک سوال، یہ بھی ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں۔ یوسفزئی صاحب، اب کل احتجاج کا اعلان ہوا، آج شنید یہ ہے کہ آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے جو جیل سے باہر ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کرنا پرسر احتجاج نہیں ہو پائے گا، اس لیے بانی پی ٹی آئی کو تاریخ مؤخر کرنے یا آگے لے جانے پہ کنونس کیا جائے گا، کیا یہ بات درست ہے
कि आप लोग वाकईतन ये मुशावरत कर रहे हैं कि ये 10 दिन जो बचते हैं ये टाइम थोड़ा है, इसमें पुरसर एहतजाज की तैयारी नहीं हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान ने जो तारीख दी है उसकी कोई मुखालफत कर ले, और जब तक इमरान खान ये तारीख वापस नहीं लेते, कोई कुछ भी कह दे, राय अपनी हो सकती है किसी की, लेकिन इस पर असरअंदाज नहीं हो सकते हैं। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, वर्कर बिल्कुल तैयार हैं, मोमेंटम बन चुका है, कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग ये समझे कि जी लोग तैयार नहीं है, वर्कर तैयार नहीं है। फैसला जो है वो लीडरशिप ने करना था, और इंशाल्लाह ताला जो मशावरत हुई हमारी सवाबी के अंदर, उसमें आपने देखा कि सारी लीडरशिप एक स्टेज के ऊपर बैठी थी, और ये भी सारी अफवाहें दम तोड़ गई कि जी लीडरशिप के अंदर इख्तलाफ है। हाँ, वो कुछ लोग हैं होंगे जो घरों में बैठते हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ तनकीद करते हैं, वो एक अलग इशू होगा। लेकिन जो लोग अभी तक जितनी भी तारीखें हमारी चली हैं या हम निकले हैं, उनमें जिन जो लोगों ने शिरकत की वो आज भी रेडी हैं, हमारे हल्कों में लोग तैयार हैं, सिर्फ तारीख इंतजार था। और मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारी मुलाकात तो नहीं होती है खान के साथ, लेकिन जिन जिन लोगों की होती है और की तरफ से जो तारीख का ऐलान हुआ, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई वो नहीं। आज भी अगर ये 24 नवंबर से पहले भी अगर तारीख आ जाती तो उसके लिए भी लोग निकलने के लिए तैयार हैं। अच्छा शौकत साहब, ये फरमाएं, शौकत साहब ये फरमाएं कि आपका तंजीमी ढांचा दबाव के ज़रिए या किसी और तरीके से तितर बितर कर दिया गया है, तहसील की सतह पर, ज़िला की सतह पर, इवन सूबे की सतह पर तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है। यहाँ पंजाब के सदर रूपोश हैं, असलम इकबाल साहब रूपोश हैं, और बहुत सारे लीडरशिप हैं, तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है। आपने मोबिलाइजेशन की जो कोशिश करनी थी इससे पहले, तहरीक चलाने से, ताजरों से, वकला से, मज़दूर तंजीमों से, किसान बिरादरी से, वो भी हमें तो नज़र नहीं आई, कम से कम पंजाब में नज़र नहीं आई, केपीके में अगर हुई हो तो मेरे इल्म में नहीं है। तो इसके बग़ैर कैसे तहरीक चलेगी? सियासी वर्कर जो है वो इस कदर मुअस्सर है अपने तौर पर कि वो सब तबकात को, आम आदमी को इस तहरीक का हिस्सा बना लेगा? देखिए, आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की, और अगर हकीकत देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने जिक्र किया कि जिस तमाम तबके हैं इनको साथ लेकर चलना है। तो अगर आप पूरी हमारी जो जब से तहरीक शुरू हुई है इसमें आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे तबके हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं, इसमें कोई ऐसी इख्तिलाफ नहीं है। दूसरी बात यह कि जो सवाबी जलसा हुआ था उसमें ये मशावरत हुई थी कि हमने आगे क्या लायमल तय करना है, उसमें ये फैसला हुआ था कि इमरान खान जो भी तारीख देंगे आगे वो वही लायमल हमारा होगा, उसी को आगे लेकर बढ़ा जाएगा। तो सही है यूसुफजई साहब, यूसुफजई साहब आपसे मजीद भी बात करते हैं। अब इरशाद साहब, जो आपने पॉइंट आउट की बातें हम भी देख रहे हैं सारे, पीटीआई के जो हालात हैं वो भी सबके सामने हैं। कल कामरान मुर्तजा साहब थे, वो कहते थे कि ज़ाती तौर पे पीटीआई के अंदर एक लीडर दूसरे लीडर से ज़्यादा प्रोमिनेंट खुद को साबित करना चाहता है। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो तंज किया है पीटीआई पे कि ये इससे पहले 13 मरतबा फ़ाइनल कॉल दे चुके हैं, अब फ़ाइनल कॉल और फिर जो इनके मुतालबात हैं, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी है और मैंडेट की वापसी है, पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, क्या पीटीआई बात नहीं करेगी या इस तरह कोई इतना इम्पैक्ट डाल पाएगी कि इतने लोग ये ले आएंगे और इनको बिल्कुल छूट भी मिल जाएगी और यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुँचेंगे और उसके बाद इनके ये मुतालबात पे हुकूमत इनसे बाद से बात भी करेगी? मेरे ख्याल ये यूसुफ जई साहब, एक तो ना इन मुतालबात में महंगाई है ना इनमें बेरोज़गारी है, तीन सीधे सीधे बातें जो 8 फरवरी से आप कर रहे हैं कि मैंडेट वापस करें, 26वीं आईनी तरमीम जब हुई आप ये वापस करें और जो लोग बंद हैं उनको रिहा करें, तो ऐसा प्रेशर आप कैसे डालेंगे? आपको ये भी पता है कि मजामत भी होनी है कि हुकूमत आपकी बात को मान लेगी। देखिए, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत के पास यही ऑप्शन है ना, जो इनके वज़रा साहिबान कहते हैं कि बस आएंगे तो जी डंडे मारेंगे, गोलियां चलाएंगे, ये तशद्दुद करेंगे। तो देखिए, एक होता है ना, एक सियासी हिकमत अमली होती है और इनके पास सियासी हिकमत अमली नहीं है, डंडा की हिकमत अमली है। हमारे हम चूंकि सियासी लोग हैं सियासी तौर पे, और हमारा यही होता था कि हम हमारी कोशिश होती थी कि हमने अगर डी चौक पहुंचना है तो हम कहते हैं जी डी चौक जाने हमने बस। लेकिन देखिए, हर चीज के अपने एक हद होती है। हमसे पहले लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी है सियासत के अंदर, पीपल्स पार्टी का दौर अगर आप याद हो, बड़ी कुर्बानियां दी है लोगों ने, सहाफियों ने भी दी है। तो देखिये, कुर्बानी तो देनी पड़ती है, अगर आपने मुल्क को ठीक करना है
तो बगैर कुर्बानी के तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर ये शौकत साहब ये फरमाएं, ये फरमाएं, चूँकि आपकी मसरूफियत है, टाइम कम है, इसलिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये फरमाएं कि कितने लाख लोग आप निकाल लेंगे, आपको तवक्को है ख़ास तौर पर पंजाब से, कितनी बड़ी, क्योंकि अब तक 14 के धरने से लेकर अब तक आपके जो जलसे बड़े आप कर लेते हैं, लेकिन जब ये बात तहरीक की होती है या धरने की होती है उसमें उतने लोग आप, हकीकत ये है कि नहीं निकाल पाते, तो कितने लोग आप, आपने तय किया है कि इतने लोग कम अज़ कम हम निकालेंगे और जो जो हुकूमत पर प्रेशर के लिए ज़रूरी हैं? देखिए शाह साहब, तहरीकें चलती हैं तो वो इस पे बुनियाद पे नहीं चलती हैं कि आप कितने लोगों को निकाल रहे हैं। तहरीक कामयाब उस वक्त होती है कि कमिटेड कितने हैं। तो जो कमिटमेंट होती है ना लोगों की, वो तहरीकें कामयाब करते हैं। तो आप देखिए ना, तहरीक इंसाफ के वर्करों की तरफ से प्रेशर है लीडर्स के ऊपर कि आप क्यों 3 दिन का धरना देते हैं, आप वहां बैठते क्यों नहीं है, ये हमें मारते, मारे तो मारे ना। अभी तक जितनी कुर्बानियां वर्करों ने दी आपके सामने, तो अगर ये डट गए ना तो ये कितने लोगों को मारेंगे? ये तो कह रहे हैं ना कि हम सख्ती करेंगे, तो और इससे ज्यादा सख्ती क्या होगी? मतलब लोगों को जेलों में डालेंगे, गोलियां चलाएंगे। तो अगर आप तो लाखों की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 200 बंदे भी अड़ गए ना तो ये हुकूमत नहीं, यूसुफ़ज़ई साहब, अब इतनी भी हुकूमत कमजोर नहीं है कि 2000 आप 200 कह रहे हैं, 2000 बंदे भी हों तो वो आपके मुतालबात मान लेगी। क्या 2000 लोगों को भी क्या ये गोलियां मार के खत्म कर सकते हैं? नहीं, आपके आपके सेक्रेटरी जनरल ये कह चुके हैं कि 4 लाख लोग निकल आए तो फिर कोई मौसर एहतजाज होगा और फिर प्रेशर आएगा हुकूमत के। आपके सलमान अकरम राजा साहब का बयान है। देखिए मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ जी, मुझे पता है कि अगर हम, मैं ये कहूँ कि जी 10 लाख लोगों को निकालता हूँ वो एक अलग चीज है, जितने निकले, लेकिन ये कम नहीं होती है जो नहीं। आप ये दुरुस्त, आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि थोड़े लोग निकले, लेकिन वो एक तवील अरसा चाहिए होता है। आप अगर 3 दिन 4 दिन का है तो फिर तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन अगर 2-3 महीने आप प्रोग्राम बना चुके हैं कि 2-3 महीने का आपने एहतजाज करना है और कम अज़ कम उसमें हज़ारों लोग होंगे, तो फिर हम मान सकते हैं 77 की तहरीक हमारे सामने है। देखें मैं भी यही कह रहा हूँ, चूँकि मैं भी उसी वक्त का वर्कर हूँ, तो पीपल्स पार्टी में थे हम, मैं पीएसएफ का लीडर था। अच्छा, तो उस वक्त से लेके मतलब अभी तक एक सियासी वर्कर ही हूँ। 96 में जब तहरीक इंसाफ बनी तो मैं फिर तहरीक इंसाफ में आ गया। तो ये बात है कि देखिए, हमने, आप ये असहाब की जंग भी है ना कि गवर्नमेंट जो है वो डराएगी, और आगे देखना है कि क्या पॉलिटिकल वर्कर जो है वो हुकूमत के इन ऊंचे हथकंडों से डर जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मैं आपसे इसलिए कहा कि अगर नहीं, यूसुफ़ज़ई साहब, यूसुफ़ज़ई साहब, वर्कर नहीं डरता। वर्कर आपका उस दिन भी पहुंचा, वो वहां पे डी चौक पे इस्लामाबाद में खुआर होते रहे, अगले 24 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन गंडापुर साहब गायब हो गए, यहाँ लीडर गायब हो जाते हैं। गंडापुर साहब वहाँ नहीं थे, गौरली खान वहाँ नहीं थे, और अयूब खान वहाँ नहीं थे, लीडर तो आपका कोई वहाँ था ही नहीं। सर इरशाद साहब, देखें मैं आपको बताऊं कि यही एक मतमली होती है पार्टी की तरफ से। हमारी एक मतमली ये थी कि हमने सिर्फ डी चौक पहुंचना है। अच्छा, और वर्करों को बता दिया गया था, ऐसा नहीं है कि बताया नहीं गया, हमने ये सिर्फ था कि हमने वहाँ अपने लोगों को कन्फ्रंट नहीं कराना है उससे, ये तय हो चुका था। अच्छा, अच्छा, इसलिए साहब को, और ये कोई अकेला उसका डिसीजन नहीं था, ये पार्टी का डिसीजन था। अब आपका डिसीजन क्या है कि डी चौक को हाथ लगाना है, वापस आ जाना है, या वहाँ बैठना है और मुजामत करनी है? मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, देखिये उस वक्त आईनी तरमीम आ रही थी, हमारे जितने लीडर्स है MNA या सेनेटर थे, तो उनको ये हिदायत थी इमरान खान की तरफ से कि आप लोगों ने सामने नहीं आना है। ठीक है, तो देखे ये बार कह रहे थे कि जी बैरिस्टर गौर को देखा गया, वो क्यों चला गया, अली अमीन क्यों चला गया, ऐसा नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी नहीं आएगा, और अली अमीन साहब के साथ ये फैसला हुआ था कि उन्होंने सिर्फ डी चौक तक जाना है, उसके बाद फिर वापस हो रहा है, क्योंकि हमने अपने वर्करों को कैसे वहां पे छोड़ना था, क्या करना था, क्योंकि लीडर तो सारे वो थे, उनको तो हिदायत थी कि वो नहीं आएंगे सामने। तो ये हमारी एक मतमली थी, सबने बताना था कि हम आ सकते हैं, तो ये जन रखना चाहिए। आवाज आ रही है जी जी, आप जो फैसला जी, अब ये फैसला हुआ है कि अगर धरना देना है तो उस वक्त तक देना है जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है,
कोई सरोकार नहीं, नहीं वो जो मुतालबात आए उसमें तो रिहाई है ही नहीं शौकत यूसुफजई साहब, ये तो एक कंट्रडिक्शन है। उसमें तीन सीधे सीधे मुतालबे आए हैं, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी, मैंडेट की वापसी, और हमारे जो लोग हैं जो रानुमा हैं, इमरान खान का तो स्पेसिफिकली नाम ही नहीं है वहाँ पे उनकी रिहाई, वो तो अदालतों ने करनी है। सियासी लोगों की रिहाई तो उसमें शामिल है ना। हाँ जी, मेरी बात, हम इस मुल्क में रह रहे हैं, सियासी लोग हैं, हम महंगाई की बात भी करेंगे कि महंगाई है, कौन इससे इनकार कर सकता है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं जी। ये साहब तो कह के आके इस मुल्क में महंगाई खत्म करेंगे, जबकि जाते जाते एयरपोर्ट भी बेच गए। इससे काम नहीं चलेगा। आप पंजाब को देखें, पंजाब इस वक्त जो है स्मोक के उसमें अंधेरे में डूबा हुआ है, और उसके लीडर कहाँ है, वो स्विट्जरलैंड में। सही है, ये इस तरह से सियासत, ये लोग कोई बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं कि हमारा हमारे बारे में कौन सोच रहा है। क्या इस तरह की सियासत होती है कि आप कहें कि जी वो जब तक स्मोक खत्म नहीं हो, हम चूंकि वालिद की तबीयत ठीक नहीं है तो हम चले जाते हैं स्विट्जरलैंड, और लोगों से कहे कि जी आप गर्म पे इस लोगों की इमारतें गिराई जा रही है, लोगों को कह जी स्मोक पैदा कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता, ये प्लानिंग होती है। सबसे ज्यादा हुक्मरानी ये शरीफ खानदान ने किया है लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद, पंजाब में। इन्होंने कौन से दरख लगाए हैं, इन्होंने कौन से जंगल बनाए हैं, ये कम से कम जो अर्बन सही है। यूसुफ जी साहब स्मॉग पे आएंगे, स्मॉग पे आएंगे, आपसे आने वाले प्रोग्रामों में डिटेल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप मरसद ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे इरशाद साहब। ये सियासी महाजराइयाँ, पीपल्स पार्टी की चार्जशीट, पीटीआई का एहतजाज, ये सब बातें तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं वो बड़े गम हैं, और कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिन पे कभी नज़र डाली ही नहीं गई। मिसाल के तौर पर अभी मौशी एतबार से हम कहते हैं जी हमारे यहाँ से डॉलर बाहर चला जाता है, अब कुछ लीकेजेस ऐसी हैं कि जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, और वो लीकेजेस बिना किसी मकसद के हो रही हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ 2023 में ओ लेवल के जो इम्तिहानात हैं उसकी मद में कैम्ब्रिज को 42 अरब रुपए पाकिस्तान से गए हैं। साल में दो बार ये इम्तिहान लेते हैं। एक जो सब्जेक्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 22,390 रुपए। पांच जो मजामीन हैं उसमें से लाजमी हैं, तीन का ख़ुद इंतखाब किया जाता है, और कुल मिला के ये जो पैकेज बनता है फ़ी स्टूडेंट वो 2,11,000 रुपये तकरीबन बन जाता है, जो आप अदा करते हैं ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू कैम्ब्रिज को, सिर्फ इम्तिहानात के। इसके अलावा जो बाकी फोरम्स हैं जिस तरह लैंग्वेज कोर्सेज हो रहे होते हैं, आइल्स हो रहा है, टॉफल हो रहा है, ये सारे, इनके भी जो अदायगी की जाती है वो यहाँ से आप करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली ये करेंसी जब बाहर जाती है तो वो डॉलर की मद में जाती है, एक तो वो आपके लीकेजेज़ हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क के साथ जो अलमिया है, आज तक पाकिस्तान ऐसा कोई इम्तिहानी ढांचा नहीं बना सका जो कम से कम पूरी दुनिया में या दुनिया के बड़े ममालिक में काबिल कबूल हो। और फिर ये ओ लेवल, ए लेवल्स, मैट्रिक, एक तफरीक जो बच्चों की आ जाती है, फाइनेंशियल लॉस तो है, प्लस जहन साजी जो निज़ाम तालीम है, आप इकबाल का अक्सर जिक्र करते हैं, वो निज़ाम तालीम, उनका कल्चर, हमारे यहाँ तो अलमिया ये भी है कि उर्दू लाजमी नहीं है ओ लेवल में, या मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको इजाज़त है कि आप उर्दू का सब्जेक्ट ना रखें। इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं गई? हम कोई इम्तिहानी ढांचा इंडिया की तरह आज तक क्यों नहीं बना सके जो हमारा अपना हो और सबके लिए काबिल कबूल हो? वजह क्या है? पैसा भी बाहर जा रहा है, तालीम भी औरों की आ रही है, कल्चर भी आ रहा है। सिर्फ कैम्ब्रिज का मसला नहीं है, यहाँ पर बहुत से स्कूल्स हैं, कोई अमेरिकन स्कूल्स हैं, कोई ब्रिटिश स्कूल्स हैं, कोई मुस्लिम कंट्रीज़ के स्कूल्स हैं जो चल रहे हैं, और वो पैसा उनको मुंतकिल हो रहा है। मसला क्या है? हम क्यों आज तक एक इम्तिहानी निज़ाम नहीं बना सकते? उसके दो तीन बड़ी वजूहात हैं भाई साहब। नंबर वन तो ये है कि इस माशरे में हमारे हुक्मरानों की, हमारी किसी हुकूमत की, हमारी जो फैसला साज हैं उनकी तरजीह तालीम रही ही नहीं। एक सोच नवाब साहब कालाबाग ये कहा करते थे कि भाई अगर ये तालीम इन्होंने हासिल कर ली तो दो नुकसान होंगे, एक तो इनको गरीब के बच्चे को बोलना आ जाएगा,
وہ پھر حکمرانوں سے سوال کرے گا، اپنے حقوق مانگے گا، دوسرا وہ ملازمت مانگے گا، تو اتنی ملازمتیں ہم کہاں سے دیں گے؟ اور وہ مثال دیتے تھے کہ جی ہمارے ایک ملازم تھا، اس کا بیٹا پڑھ گیا تو اس کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہا کیونکہ وہ کاشتکاری کر نہیں سکتا تھا، ملازمت اس کو مل نہیں رہی تھی۔ تو ایک تو ہماری یہ ترجیح نہیں رہی، دوسرا ہمارا جو مروبیت کا کلچر ہے کہ ہم اتنے مروب ہیں کہ ہمارا بچہ اگر برٹش ایکسنٹ میں انگریزی نہیں بولے گا یا امریکن ایکسنٹ میں انگریزی نہیں بولے گا تو وہ اس کو پینڈو سمجھا جائے گا، پسماندہ سمجھا جائے گا۔ بھٹو صاحب نے بڑی زیادتی کی، ایجوکیشن کو انہوں نے نیشنلائز کیا۔ ایک تو نیشنلائزیشن بذات خود غلط تھی، لیکن جب نیشنلائز کیا تو اس وقت وقت تھا کہ ایک نصاب، ایک نظام تعلیم کے اصول کی بنیاد پر اس کو ختم کرتے۔ انڈیا نے تو آتے ہی سسٹم ختم کر دیا تھا۔ تو بھائی ایک اگر نصاب نہیں پڑھایا جا رہا ہوگا، ایک نظام تعلیم ملک میں نہیں ہوگا، تو ایک قوم آپ کیسے بنائیں گے؟ یہ جو آپ رونا روتے ہیں کہ جی ایک قوم نہیں بن رہی، تو آپ نے خود جب تفریق اور تقسیم پیدا کی ہوئی ہے کہ ایک کلاس ہے جو حکمرانی کے لیے پیدا ہو رہی ہے اور ایک کلاس ہے جو محکومیت کے لیے پیدا ہو رہی ہے، یا وہ ان کی نازبرداری کریں یا چاپلوسی کریں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اب اس میں ایک قوم بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سسٹم کو آپ ختم کریں، آپ تعلیم دیں، انگریزی زبان بھی پڑھائیں، بڑی ضروری ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، ضرور پڑھائیں، لیکن وہ اپنے نظام تعلیم میں وہ صلاحیت اہلیت پیدا کریں کہ وہ اتنی ہی اچھی انگریزی پڑھ سکیں، بول سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری یہ 75 سال کی تاریخ ہے، کتنے او لیول اے لیول کے لوگ ڈاکٹر ہمارے سامنے آئے ہیں، انجینئر آئے ہیں، سائنٹسٹ آئے ہیں، ایجوکیشنسٹ آئے ہیں، سارے کے سارے دوسرے نظام تعلیم کے ہیں، دوسرے بیوروکریسی میں آپ دیکھ لیں، سرکاری کالجز کے، آپ کے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارا ایٹمی پوام ہے، اس کے جو پہلے بانی تھے عثمانی صاحب، وہ جامعہ عثمانیہ کے پڑھے ہوئے تھے، حیدرآباد کے، جو اٹامک انرجی کمیشن جب ہم نے بنایا، پہلے جو شخص تھے ہمارے، جو جناب عبدالقدیر خان صاحب تھے وہ کراچی کے اردو میڈیم اسکول کے پڑھے ہوئے تھے، بھوپال کے وہ تھے۔ تو جتنے گورنمنٹ کالج نے اتنے سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں، اشفاق خان صاحب اور دوسرے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ارشاد صاحب دیکھیں، اچھا ایک تو یہ اس کا پہلو ہے کہ ہمارے ہاں جو احساس مروبیت ہے وہ نہیں ختم کرنا چاہ رہا، کہ ایک کلاس چاہتی ہے کہ جی ہمارے بچے جو ہیں اے لیول او لیول کر کے یہ شو کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ادھر ہمارا جو ایم اے پاس ہے اس کے مقابلے میں وہ او لیول جو میٹرک مڈل ہے اور اے لیول جو میٹرک ہے، نہیں ایف اے ہے اور وہ مڈل ہے میٹرک ہے، وہ ایف اے پاس جو ہوتا ہے وہ فرفر انگریزی بول رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، اور اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس کی انگریزی بہت اچھی ہو۔ جیسے بات انگریزی کی تو چلے، اچھا نظام اس میں نصاب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کئی ایسی چیزیں کتابیں اس نصاب میں یہاں پڑھائی جا رہی ہیں جو ہمارے کلچر کے خلاف ہیں، ہمارے روایات کے خلاف ہیں، کئی چیزیں ہمارے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں کہ مذہب کے خلاف بھی چیزیں وہ چل جاتی ہیں۔ میرا جو سوال ہے ارشاد صاحب وہ یہ ہے، دیکھیں انگریزی آنا بہت اچھی بات ہے، بالکل آنی چاہیے۔ انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، ابھی ریسنٹلی برطانیہ میں این ایچ ایس میں ڈاکٹرز اور نرسز وغیرہ چاہیے تھے، بلکہ ان کے تو ایکسچینج پروگرامس چل رہے ہیں، تو انڈیا سے سب سے زیادہ ہیومن ریسورس انہوں نے ہائر کیا اور مختلف علاقوں سے ان کا، اور وہ بنیادی طور پہ وجہ یہ تھی کہ ان کو انگریزی بہتر آتی تھی، لیکن ان کی انگریزی کا سٹائل کوئی برٹش نہیں تھا، وہ اپنے انداز میں ایکسنٹ پہ زور نہیں دیتے تھے، وہاں انگریزی آتی ہے لیکن وہ ایکسنٹ ان کا برٹش یا امریکن نہیں ہوتا۔ اب دوسرا جو پہلو ہے جو آپ نے اس کنٹینٹ کی بات کی ہے، دیکھیں ایک تو وہ پیسہ ہم سے لے رہے ہیں، اپنا کلچر، اپنی فلسفی، اپنی نارمز بھی بڑی حد تک یہاں پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اسکولس کے بچوں کو، اب تو خیر یونیورسٹیز بھی کچھ بن گئی ہیں، ان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ اس ملک کے جو شہری ہیں، پاکستان کے جو شہری ہیں،
हमारा सरकारी निज़ाम तालीम पाकिस्तानियत का दर्स कहाँ तक दे रहा है, और ये जो हैं इनको कितना पाबंद किया गया है कि वो कम अज़ कम पाकिस्तान, ऑनरशिप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, पाकिस्तानिज़म, इसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ये तो उसकी तरजीह नहीं है ना, उस सिस्टम में ये तरजीह तो नहीं है ना, पाकिस्तान या इस्लाम या पाकिस्तान। नहीं, यहाँ कोई रेगुलेटर तो होगा जो पाबंद कर सकता है। मतलब हमारे अपने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वहाँ का कल्चर क्या वही है जो हमारे उर्दू मीडियम स्कूलों का है या कॉलेजों का है? नहीं, वो भी कोर्स यही ऑक्सफोर्ड का पढ़ाएंगे, कैम्ब्रिज का पढ़ाएंगे। मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि भी हमारे जो रेगुलेटर आप कह रहे हैं, जो हुकूमत है, जो निज़ाम तालीम हमने दिया है, उसमें तो ये हमारी तरजीहात में ही शामिल नहीं है कि कौन हुकूमत किसी पिछले दौर में ये काम शुरू हुआ कि एक निज़ाम तालीम होना चाहिए, उसको हदफ़ तनकीद बनाया गया, अप्रीशिएट किसी ने नहीं किया, हालांकि वो एक बेहतरीन फ़ैसला था और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं सोचा गया। देखें, आप एक कौम अगर आपने बनानी है तो उसका बुनियादी ज़रूरत ये है, बुनियादी शर्त ये है कि आपका निज़ाम तालीम एक हो, एक ही जो सांचे से ढल के लोग आएंगे उनके अंदर फिक्र वहदत, फिक्री वहदत भी होगी, यगानगत भी होगी, उसके निज़ाम तालीम में निज़ाम तरबियत भी हो, पाकिस्तानियत तरजीह अव्वल हो। अगर आपका निज़ाम तालीम अलग है, अब यहाँ चार किस्म के निज़ाम तालीम हैं, दीनी मदारस हैं, उर्दू मीडियम है, अंग्रेजी मीडियम है, और उसके बाद ये आलमी जो इदारे। अच्छा, अब हम इस वक्त कैम्ब्रिज की बात कर रहे हैं, कैम्ब्रिज सिस्टम जो है बरकरार रख के हमने हासिल क्या किया है, क्या इसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा लोग आला फ़नी तालीम के लिए, साइंसी तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, येल यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूएमटी में, कहीं और जा रहे हैं? ये जायज़ा हुकूमत को लेना चाहिए कि जी इतना जो हम ज़रा मुबादला भी खर्च कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, 12 साल वो लगाते हैं, उसके बाद अगर वो यहीं रहना है उन्होंने और इससे या उससे आगे पढ़ना नहीं है या यहीं रह जाना है, और इसी सिस्टम में बड़ी मुश्किल होती है इंजीनियर्स को ख़ास तौर पर, यानी ए लेवल करने वाले बच्चों के वो इक्वलाइजेशन जब होती है उनके नंबर कम हो जाते हैं, और उनके लिए यहाँ जो मेरिट जो हमारी जो लाहौर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसमें दाखिला नहीं हो रहा होता। अच्छा, तो उसका जो उन बच्चों ने बाहर जाना है उनके लिए तो आसानी है, वो देखना चाहिए कि कितने लोग इस सिस्टम से तालीम हासिल करने के बाद बाहर जाते हैं और वो फिर मुल्क में वापस आते हैं, और बाहर भी क्या वो सिर्फ लाख या एक आध सब्जेक्ट में जाते हैं, या जो फ़नी तालीम है और जो साइंसी तालीम है उसमें कहाँ तक वो कामयाब रहते हैं? ये जायज़ा लेकर फिर हमें सोचना चाहिए कि ये सिस्टम बरकरार रखना हमारे लिए मुफीद है या नहीं है। आपने ज़बान की बात की है, हमने अंग्रेज़ी की ज़बान कर ली, हमने उर्दू मीडियम की बात भी कर ली, रीजनल लैंग्वेजेस व्हाई नॉट? देखें, डिसिप्लिन है यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, बाकियों में पंजाबी पढ़ाई जाती है, लेकिन अर्ली लेवल पे हमारा तो अलमिया ये बन गया है कि आज की नौजवान नस्ल को ना मादरी ज़बान आ रही है, ना सही उर्दू आ रही है, ना सही अंग्रेज़ी आ रही है, मेजॉरिटी का ये हाल है। यहाँ के निज़ाम तालीम में मादरी ज़बानों को क्यों फोकस नहीं किया गया कि अगर केपी का बच्चा है तो वो पश्तों में पढ़े, हिंदकों में पढ़े, पंजाबी पंजाबी में पढ़े, सिंध में बहरहाल ये है कि वो फोकस करते हैं सिंधी को, बलूचिस्तान की जो ज़बानें हैं, क्योंकि मादरी ज़बान में तो बात बहुत आसानी से समझ आएगी। नहीं, देखिए ना, ये एक ऐसा बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पर कहा यह जाता है कि जी मादरी ज़ुबान में आप जो तालीम हासिल करते हैं ना उसमें आगे आपको बहुत फ़ायदा होता है, और देखें जितनी लोगों इलाकाई मादरी और इलाकाई ज़बान जो भी कह लें आप, चाइनीज़ ने अंग्रेज़ी की वजह से तरक्की नहीं की, तरक्की उन्होंने अपनी ज़ुबान में पढ़ के की है, जापनीज़ ने, जर्मनों ने, फ्रेंच ने। जी, तो ये हमें अब सोचना होगा ना ओवरऑल तालीम के पैरामीटर्स में कि जी हमें क्या क्या चीज़ नहीं की और अब करनी चाहिए और कर गुजरनी चाहिए, फ़वाद और नुकसानात का एक जायज़ा लेना चाहिए, इसमें क्या इलाकाई ज़ुबानें जो हैं, हमारे यहाँ तो अब इलाकाई ज़ुबानों का एक और भी मसला बन गया है ना
کہ وہ ہم نے تعصبات کا ذریعہ بنا لیے ہے, زبان کو جو اظہار کا ذریعہ ہے اس کو ہم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. رشاد صاحب ایک بریک لیں, بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب نے. منیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. منیب صاحب, بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا پہ آ کے آج مسلم لیگ نون کو چارج شیٹ کیا ہے, یہ میڈیا پر آ کے یہ باتیں کرنے کی نوبت کیوں آئی, بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کوئی فطری اتحاد تو ہوتا نہیں ہے. یہ تو مفاد کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا اور جو اس وقت پورا ارینجمنٹ ہے اس کے تحت ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ جماعتیں آپس میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ذہن میں رکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آپریشنل معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. چند معاملات ایسے ہیں جن کے حوالے سے زیادہ پرابلم جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ پنجاب کی حد پر ایگزسٹ کرتا ہے, اور پنجاب میں پی ایم ایل این کا کوئی اچھا کارڈیل ریلیشن شپ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور پنجاب میں پی ایم ایل این کو ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی, اور یہ ریلیشن شپ اتنا ساور ہو چکا ہے کہ جب زرداری صاحب جو کہ صدر پاکستان ہیں وہ تشریف لائے تو مریم نواز شریف صاحبہ بحیثیت وزیر اعلیٰ انہیں ریسیو کرنے نہیں گئیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک مناسب بات نہیں تھی, کیونکہ پروٹوکول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ ملک کے صدر ہیں اور اگر وہ آتے ہیں لاہور لینڈ کرتے ہیں تو ان کو ریسیو کرنے جانا چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خدشات یا معاملات ہیں, دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسپیئر ہیڈ کیا ہے بہت سے قانونی آئینی معاملات کو, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو پوائنٹ وہ آج ریز کر رہے ہیں وہ کیا اس آئینی مسودے سے باہر ہے یا اس 26ویں آئینی ترمیم کے سکوپ سے باہر ہے جو حکومت نے کیا ہے؟ جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت نے وعدہ خلافی کی ہے تو پھر یا تو انہیں ذرا اسپیسیفک بات کرنی چاہیے کہ حکومت نے کیا کیا وعدہ خلافی کی ہے اس حوالے سے, اور دوسری بات حکومت کو بھی رسپونڈ کرنا چاہیے پبلکلی کہ جی جو خدشات ہیں وہ کیا ہیں ان کے, اور تیسری بات یہ ہے کہ جو قانون کی بات وہ کر رہے ہیں وہ غالباً وہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے اندر ترامیم ہیں جو کہ ٹیبل ہو چکی ہیں, ان پر ووٹنگ نہیں ہوئی ابھی تک, اور وہ بڑا اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی ڈریکونین قسم کی امینڈمنٹ ہے انسداد دہشت گردی کے قانون کے اندر, اور اگر وہ ہو گئی تو پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑی وسیع پیمانے پر اختیار ملے گا کہ وہ 3 مہینے تک کسی کو بھی ڈیٹینشن میں رکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ معاملات اس سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ اس کو ایک سیاسی طور پر اگر دیکھیں گے تو بلاول صاحب نے ظاہری بات ہے خود کو پوزیشن بھی تو کرنا ہے اگلی دفعہ وزیر اعظم کی نشست کے لیے, منیب صاحب وہ اگر بالکل ہی بیٹھے لیں گے تو شاید. جی جی منیب صاحب, یہ جو سمیل ہم کر سکتے ہیں کیا اس میں بھی ایک کنٹرڈکشن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں کہ اگر وہ کسی جج کو چیف جسٹس یا وہ دوسرا جو معاملہ ہے آئینی بینچ کا سینئر جج بنوانا چاہتے تھے تو اس وجہ سے وہ جوڈیشل کمیشن سے باہر ہو گئے, کیا یہی آپ سمیل کرتے ہیں کہ کسی ایک خاص جج کے بارے میں ان کی رائے تھی جو نہیں مانے گی, لیکن پھر ان کے جو نامنی تھے جناب فاروق ہے جناب انہوں نے تو کوئی اختلاف نہیں کیا, وہ تو حکومت کے ساتھ گئے. دیکھیں میں اب ارشاد عارف صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سر کہ جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس میں چیف جسٹس کا انتخاب ہوا تھا, میں یہ بات آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے تھے کہ آئینی ترمیم تو ہو گئی ہے تو اب منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس کے طور پر چنا جائے اور انہی پر مہر لگائی جائے, لیکن باقی ممبران باقی لوگ اس بات پر کنونس نہیں تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ موقف تھا, اور وہ کیوں تھا یہ تو بلاول صاحب ہی بتا سکتے ہیں, لیکن وہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس دیکھنا چاہتے تھے. اسی طرح جو آئینی بینچ کے سربراہ والا معاملہ ہے, اگر بلاول صاحب اس میٹنگ میں تشریف لے جاتے تو ظاہری بات ہے وہ بات کرتے کم از کم اپنی ڈسینٹ دیتے, لیکن کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایبسٹین کیا؟ ارشاد عارف صاحب آپ خوب ہی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اپرچونٹی ہو تو آپ جا کر اپنا ووٹ اگینسٹ کاسٹ کر سکتے ہیں.
आप अगर एब्सटेन करते हैं तो इसका मतलब है देयर इज अ लॉट मोर टू इट, कुछ ऐसा है जो कि आप प्रॉपर्ली रिवील करना चाहते हैं। सॉरी, एब्सटेन तो नहीं किया ना जनाब, फारूक नायक साहब ने तो बाकायदा वोट दिया है अमीनुद्दीन खान के हक में। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जी कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद नहीं गए। अच्छा, वो मेंबर नहीं बने, वो खुद नहीं गए। अगर देखा जाए तो उन्होंने एक किस्म का एब्सटेन ही किया ना, जब बाद वो नायक साहब चले गए उन्होंने कर दिया, वो तो एक और बात हो जाती है। आप खुद ही समझते हैं नायक साहब, आज उन्होंने कहा भी कि मैं एहतजाजन जो है पीछे हटा, वो इसका जिक्र भी किया, मैं पीछे हटे। वो अगर जाते तो बिलावल साहब को तो कोई नहीं रोक सकता था, वो वहां पर जाए और अपनी मर्जी से वोट करें। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बिलावल साहब नहीं गए, उन्होंने एक्सक्यूज किया या खुद को पीछे हटा लिया, तो ये बात सबको पता होनी चाहिए कि वो क्या वजूहात थी। शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समझते थे कि चले चीफ जस्टिस नहीं तो कम से कम आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर तो मंसूर अली शाह साहब को होना चाहिए। अब वो ये क्यों समझ रहे थे, क्योंकि कम से कम चीफ जस्टिस की हद तक तो ये बात क्लियर है और मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि वो चाहते थे कि नहीं। लेकिन एक और सवाल भी पैदा होता है, क्योंकि आप बाखबर अखबार नवीस हैं, तजिया निगार हैं, क्या ये इख्तलाफ शहबाज शरीफ साहब से है, हुकूमत से है, या जरदारी साहब से है, अपने वालिद गिरामी साहब से? क्योंकि फारूक नायक साहब जो हैं, अगर बिलावल भुट्टो साहब पार्टी चेयरमैन के तौर पर उनको पाबंद करते कि आपने वोट नहीं करना अमीनुद्दीन खान को और मंसूर अली शाह साहब को, तो वो कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब तो है इख्तलाफ मुस्लिम लीग से नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर है, जिन्होंने फारूक नायक साहब को भेजा और उन्होंने वोट जो है बिलावल साहब की मर्जी के बगैर किया, मर्जी के खिलाफ किया। गुजारिश ये इरशाद आरिफ साहब कि इस निज़ाम के दो सिग्नेटरीज हैं, प्रिंसिपल सिग्नेटरीज हैं, एक हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और एक हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब। जरदारी साहब वो इस वक्त तमाम काम या तमाम मामला उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह से वो इस निज़ाम के जो जिन्होंने इस निज़ाम को बनाया है उनके मुताबिक वो मामलात को देख रहे हैं। जरदारी साहब कोई इख्तलाफ नहीं कर रहे किसी भी मामले के ऊपर। ये जो भी सिलसिला चल रहे हैं जरदारी साहब और बिलावल साहब, कम से कम सियासी तौर पर मैं ये नहीं कहता कोई इख्तलाफ है, लेकिन जो जरदारी साहब चाहेंगे इवेंचुअली चीजों में वो चीज आएगी। बिलावल साहब का जरूर, वो उनकी कमिंग्स एंड गोइंग्स हैं, वो मौलाना साहब के पास तशरीफ ले जाते रहे, आईनी मुसवदे के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, सब कुछ किया। लेकिन आप ये जहन में रखिए कि बिलावल साहब को भी पता है कि इस आईनी मुसवदे के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स थी और वो सियासी नहीं थी, वो गैर सियासी थी, और जो कुछ हुआ इसको टोन डाउन किया गया। इसी वजह से फिर जब इसको टोन डाउन किया गया तो फिर आपको इंसदादी दहशतगर्दी के कानून के अंदर तरामीम भी प्रपोज होती भी नजर आई, फिर और चंद अहम लेजिस्लेशन भी हुई। तो अभी तो और भी बहुत कुछ है जो पाइपलाइन में है, जो कि नेसेसरी जरूरी नहीं है कि वो बिलावल साहब की मर्जी से होगा। अच्छा, ये मुनीब साहब ये बताएं कि अगर ये ऐसा है जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बिलावल साहब की, इसका क्या मतलब है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बड़ी है, 34 जज होंगे, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनके मर्जी के जजेस जो हैं वो लगाने में कोई रुकावट ना हो, या कोई और मकासद हैं जो पीपल्स पार्टी? अब निज़ाम के अगर सिग्नेटरी जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, कुट्टी तो होगी नहीं, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फिर मकसद क्या है? देखिए, वो प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो बिलावल साहब के खदशात या उनके मामलात ऐसा नहीं है कि बिलावल साहब कुछ कहेंगे और जरदारी साहब उन्हें ओपनली को खुदा ना खास्ता उनसे डिसएग्री करेंगे। बिलावल साहब एक अपनी जमात के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो जो बातें कहेंगे उनको अहमियत दी जाएगी। एन मुमकिन है कि आपसे थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें कॉल करें कि आप तशरीफ लाइए, हम मिल के बात करते हैं। मसला आप अगर गौर करेंगे तो पंजाब के अंदर बहुत सा मसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का। वफाक की हद तक कुछ चीजों में ये बात जरूर है कि बिलावल साहब को शायद उतना कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा जितना वो डिमांड करते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। कुट्टी, जो आपने लफ्ज इस्तलाह इस्तेमाल की, लड़ाई या वो तो नहीं हो सकता कि ये इत्तेहाद टूट जाए, क्योंकि ये इत्तेहाद एक खास किस्म की इंसुलेशन के अंदर है, तो जब तक वो मौजूद है तो ये इत्तेहाद तो ऐसे टूटने वाला है नहीं।
अच्छा जहां तक ये छोटी मोटी बातें हैं ये तो चलती रहेंगी जी। अच्छा आप पीटीआई के एहतजाज की तरफ आ जाते हैं, 24 तारीख दे दी गई है, आप क्या देख रहे हैं, ये मौसर एहतजाज पीटीआई करने की पोजीशन में है क्या, ये महंगाई बेरोज़गारी बदअमनी के सताए हुए अवाम भी साथ देंगे या ये सियासी कारकुनों का एहतजाज होगा और वो माजी के बाकी एहतजाजों की तरह होगा और ख़त्म हो जाएगा? देखिए शाहराज साहब, आजकल के हालात के अंदर अब डिपेंड करता है, ये टेस्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है कि वो अवाम को निकालेंगे, अवाम निकल सकते हैं, जितना बड़ी और फाइनल कॉल इमरान खान साहब ने दी है क्या उस पर अवाम वाकई बाहर निकलते हैं, ऑर्गेनिकली निकलते हैं या उनको सियासी जमात बाहर लेकर आती है, ये तो अपने अंदर एक सवाल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो बेशुमार हैं और पार्टी के अंदर ऐसी आवाजें मौजूद हैं जिनका ख्याल है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी और इससे इमरान खान साहब और उनकी जमात को ज्यादा नुकसान होगा, इससे कुछ भला नहीं हो पाएगा, बल्कि शायद मसाइल और बढ़ जाए, शायद कुछ मामलात टेंशन और बढ़ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा मजमा इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाती है तो क्या रियासत कंसीड कर जाएगी? हमारे मुल्क में आप तो तारीख हमसे बेहतर जानते हैं, तब्दीली का अंसर जो है वो बदकिस्मती से अवाम नहीं रहे, वो और अनासर और मुहरिकात होते हैं और मामलात होते हैं जिनकी वजह से तब्दीलियां आती हैं। अब जो बात जो डिमांड इमरान खान साहब की जमात सामने ला रही है, मुझे कम से कम वो इतनी आसानी से पूरे होते हुए तो नजर नहीं आ रहे। सही है। अच्छा आज मुनीब साहब एक और डेवलपमेंट हुई, जो आईनी बेंच है उसने बाकायदा तौर पे काम का आगाज कर दिया, पहले दिन 18 केसेस सुने गए, 15 खारिज कर दिए गए, 3 जो हैं उनकी समाअत अब मुलतवी की गई हैं, तो ये इस रफ्तार से अगर केसेस सुने जाते रहे तो आप क्या समझते हैं कि अगले हफ्ते तक, अगले चंद हफ्तों तक ये बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद जो आईनी बेंच है उसके पास किस नौयत के केसेस होंगे? देखिए आईनी बेंचेस के पास अभी तो बहुत बड़ी तादाद है केसेस की और अभी तो वो पेंडेंसी को डील करेंगे, लेकिन क्योंकि क्यू में लगी हुई है मेरे ख्याल में वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी दरख्वास्तें, और वो भी एसेंशियली अगर 184 में है, यकीनी तौर पर 184 में है, तो वो तो आईनी बेंच के सामने ही आएंगी, तो उनको भी आईनी बेंच फिर सुनेगा और अगर वो सामने रखी जाएंगी तो, और उनके ऊपर भी मुतवक्का तौर पर फैसला आ सकता है। तो मेरे लिए तो ज्यादा अहम ये है कि जिस तरीके से जितनी स्पीड से डिस्पोजल हो रहा है, ये आईनी बेंच 2 महीने के लिए बना है, हो सकता है 15-20 दिन के बाद वो क्यू में सामने आ जाए और पिटिशंस अनलेस के वो विड्रॉ ना हो जाए तो उनको भी सुन लेगी आईनी बेंच, 7 मेंबर गालिबन आईनी बेंच है ये टोटल, और उनके ऊपर कोई फैसला सुना दे और उनको मुस्तरद कर दे, ये भी मुमकिन है। अच्छा चूंकि आप कानूनदान भी हैं, कानून पर महारत भी है आपकी, ये फरमाएं कि ये जो मखसूस नशस्तों वाला फैसला आया था 13 रुकनी बेंच ने दिया था, इसकी अपील पेंडिंग है, अब वो अपील रिव्यू, हाँ वो अब तो अपील है ना, वो रिव्यू तो नहीं है ना, तो वो अपील जो है वो अब ये 7 रुकनी बेंच सुनेगा या इससे बड़ा बेंच सुनेगा या वही बेंच सुनेगा, क्योंकि अब वो रिव्यू वाली पोजीशन तो नहीं रही, अब तो अपील की पोजीशन है। नहीं, 184(3) में जितनी भी दायर की गई, आप उन्हें अपील कह लीजिए या रिव्यू, वैसे तो वो रिव्यू है जो इन्होंने एसेंशियली फाइल किया हुआ था, वो इसी आईनी बेंच के सामने आएगा जी, और क्योंकि 184 के तहत जितने भी मुकदमात हैं जो अपील फाइल होती हैं या 187 के तहत या फॉर दैट मैटर, वो अब आएंगी तो आईनी बेंच के सामने ही, अब उनके अंदर या तो फैसला तब्दील होगा, क्योंकि मैंने जब 12 जुलाई को फैसला आया तो उस वक्त खबर ये दी थी कि ये फैसला, इस पर अमल दरामद नहीं होगा, आज हम नवंबर की 12 तारीख को भी गुजार चुके हैं, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। नहीं, मेरा सवाल ये कि 13 रुकनी फैसला जो है वो 7 रुकनी खत्म कर देगा। ब्रीफ कमेंट मुनीब साहब। जी मैं अर्ज ये करता हूँ, क्योंकि अब आईनी पोजिशन ये हो गई है कि आपका एक बेंच है जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो कि पहले नहीं था, पहले 13 रुकनी अगर कोर्ट ने फैसला दिया है तो वो सिचुएशन प्रायर टू द अमेंडमेंट है, अब जो भी जो ओरिजिनल पिटीशन 184 थे वो इधर ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब आपका, इरशाद साहब आपका शुक्रिया, इतनी इजाजत दीजिए।